अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ टुडे फर्स्ट आई विल डू क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर पी क्यू इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टू साइड्स वन एंगल, मीन्स ये इस तरह के ट्राइंगल्स हैं जिसमें आपके पास टू साइड्स और वन एंगल गिवन होगा। इससे पहले वाले जो कल हमने ट्राइंगल्स किए थे उसमें हमारे पास थ्री साइड्स गिवन थी, तो हमने उनको अकॉर्डिंगली बनाया था। और इस ट्राइंगल में हमारे पास टू साइड्स और वन एंगल गिवन है, तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए साइड्स कौन कौन सी हैं, पी क्यू एंड क्यू आर, ये साइड्स होती हैं, ठीक है, पी क्यू एंड क्यू आर। तो पी क्यू 7.75 सेंटीमीटर है एंड क्यू आर 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं इनमें से इन दोनों में से किसी एक को बेस लाइन लेके यहाँ पे ट्राइंगल की बेस लाइन ड्रॉ करूँगी। तो मैं जो फर्स्ट लाइन गिवन है पी क्यू, इसी को लेकर मैं बेस लाइन ड्रॉ करती हूँ। दैट इज़ पी क्यू इज इक्वल टू 7.75 सेंटीमीटर, और ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। ओके, नाउ यू कैन सी कि मैंने ये बेस लाइन ड्रॉ कर दी है पी क्यू 7.5 सेंटीमीटर। जब भी आप कोई ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले उसकी बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके अब यहाँ पे क्योंकि जब भी आपके पास कोई ऐसा ट्राइंगल होगा जिसमें आपके पास टू साइड्स और वन एंगल गिवन होगा, तो उसका मेथड ये है कि पहले आप एक साइड ड्रॉ करेंगे जो कि बेस लाइन होगी, उसके बाद आपने एंगल ड्रॉ करना है और फिर आपने दूसरी साइड ड्रॉ करनी है। तो अब मैं एंगल ड्रॉ करूँगी। एंगल देखिए यहाँ पे है पी क्यू आर। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने ये डिसाइड करना है कि एंगल किस पॉइंट पे बनना चाहिए। तो याद रखिए एंगल हमेशा ये जो मिड वाला पॉइंट होता है इस पर हम बनाते हैं। तो पी क्यू आर में मिड वाला पॉइंट कौन सा है, जो मिडल में है, दैट इज़ क्यू। तो इसका मतलब है एंगल कहाँ पे बनेगा, 45 डिग्री का, क्यू पॉइंट पे। तो आपने लेना है अपना प्रोट्रैक्टर और उसको सेट करना है क्यू पॉइंट पे ऐसे। और आपको पता है क्यू पॉइंट जो है वो आपके पास राइट साइड पे है, तो जब आप अपना प्रोट्रैक्टर बिल्कुल सेट कर लेंगे तो राइट साइड से आपने 45 डिग्री काउंट करना है। तो देखिए मैं काउंट करूँगी, दैट इज़, और राइट साइड है ना, तो आउटर स्केल आपने देखना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप इनर स्केल देखेंगे या आउटर स्केल। तो आप अपने प्रोटेक्टर को सबसे पहले पॉइंट पे सेट कर लें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपकी लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। तो क्यू पॉइंट जो है ये देखें, ये वाली साइड लेफ्ट राइट होती है और ये वाली साइड लेफ्ट, में लिख भी देती हूँ। आपके पास कोई भी लाइन हो उसकी ये वाली साइड राइट साइड होती है और ये वाली साइड लेफ्ट होती है। तो राइट साइड पे जब आपने प्रोटेक्टर सेट किया, तो प्रोटेक्टर को सेट करने के बाद मैं यहाँ पे 45 डिग्री आउटर स्केल पे देखूँगी। डैट इज़ 0, 10, 20, 30, 40, और 40 से आगे आपने 5 पॉइंट्स छोटे छोटे काउंट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे 45 का एंगल आ रहा है, मैं आपको बता देती हूँ मार्क करके। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 45 डिग्री का एंगल। तो ये 45 डिग्री का एंगल आ गया, मैंने मार्क कर दिया। और यहाँ से मैं उठा लूँगी अपना प्रोटेक्टर और इस जो पॉइंट है ये जो मैंने मार्क किया है इसको मैं क्यू पॉइंट से ज्वाइन कर लूँगी और थोड़ा सा इस पॉइंट से आगे भी ले जाऊँगी लाइन को, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके जी, ये देखिए मैंने लाइन को इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया है, ये जो 45 डिग्री का मैंने मार्क किया था इसको क्यू से, और लाइन को थोड़ा सा आगे भी एक्सटेंड करके ले गई हूँ, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्योंकि जब भी आप ट्राइंगल में जिस जगह पे एंगल बनाएंगे फ़ौरन से आपने उस एंगल को मार्क करके वहाँ पे अंदर मेजरमेंट लिख लेनी है। तो मैंने ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि मैंने 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे मैंने मार्क करके 45 डिग्री लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है आपने क्यू आर ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर की। अब देखिए क्यू आर आप किस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे, क्यू पॉइंट से या आर पॉइंट से। अब यहाँ पर देखिए बेस लाइन में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, पी एंड क्यू, आर तो यहाँ पे है ही नहीं है। इट मीन्स आपने क्यू पॉइंट से 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। मीन्स आपकी जो क्यू पॉइंट से जो लाइन है, ये जो ये वाली लाइन है, ये कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर की। तो हमें ये कैसे पता चलेगा, हम अपना कंपस ओपन करेंगे, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, इसके ऊपर आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब देखिएगा मैं कंपस ओपन करती हूँ। देखिए मैंने अपना कंपास 6 सेंटीमीटर का ओपन कर लिया हुआ है, मैं आपको बता भी देती हूँ ये 6 सेंटीमीटर का ओपन है। अब क्योंकि क्यू आर है, आर तो यहाँ पे है ही नहीं है, तो क्यू पॉइंट के ऊपर मैं यहाँ पे रखूँगी और चेक करूँगी ये लाइन 6 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रही है। तो इस लाइन के ऊपर मैंने ये जो आपके पास क्यू पॉइंट से जो लाइन है ये आपके पास यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पे मैंने आर्क लगा दी। अब मैं क्या करूँगी कि इस आर्क को, ठीक है, ये जो आर्क मैंने ड्रॉ की है, इस ये लाइन को जिस पॉइंट पे कट करिए मैं वहाँ पे डॉट लगा दूँगी, ठीक है। ये देखिए ये आर्क और ये लाइन ये किस पॉइंट पे मीट कर रही है, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया और इस डॉट को मैं पी पॉइंट से
यहाँ से स्केल के थ्रू, बिल्कुल आपने बहुत नीटली ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं, स्केल के थ्रू ज्वाइन कर लेना है ऐसे, ठीक है। तो अब मैं ज्वाइन करके आपको बताती हूँ। ये देखें जी, मैंने ज्वाइन कर दिया पी क्यू, और ये जो डॉट था इसको नेम देते हैं आर का। तो ये आपके पास ट्राइंगल ड्रॉ हो गया है पी क्यू आर, और जिसकी मेजरमेंट्स जो हमें गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये ट्राइंगल ड्रॉ किया है। अब आप कोई भी ट्राइंगल जो है जिसमें टू साइड्स और वन एंगल गिवन हो आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास टू साइड्स और वन एंगल है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपके पास टू साइड्स और वन एंगल है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद करना है जिसमें टू साइड्स और वन एंगल गिवन है, ठीक है। तो जब भी आपके पास ट्राइंगल की टू साइड्स और वन एंगल गिवन होंगी आपने उसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है, पहले वन साइड, फिर जिस पॉइंट पे एंगल गिवन है उस पॉइंट पे एंगल, और फिर सेकेंड साइड, और आपका पूरा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। थैंक यू।